सो हमारा एक लवर जो है मास्टर केज के बाहर बैठा है, पता नहीं शायद ये एक वाले केज में से निकला या मास्टर केज में से निकला, पता नहीं, ये उड़ भी नहीं रहा है, मास्टर केज में ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसे कोशिश करता हूँ पकड़ने की, वरना ही उड़ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे दो भी लव बर्ड्स उड़ गए इसके अंदर से, देखिए ना मेल है ना फीमेल है। मैं ब्रीडिंग बॉक्स अभी खोल के देखा, ना अंदर मेल बैठे हुआ है ना फीमेल बैठी हुई है। मेल तो मेरे सामने ही यहाँ से उड़ा दोस्तों, इससे पहले भी जब वो उड़े थे तो वापस आ गए थे, इंशाल्लाह अभी भी वापस आ जाएंगे। देखिए ये वाली फीमेल एक अकेली बची हुई है और यहाँ पर ब्लू वाले लव बर्ड्स इसके अंदर ब्रीडिंग बॉक्स में बैठे हुए। चलिए अब क्या कर सकते हैं, वो उड़ गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। तो हम हेन चिक्स को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के इनकी सुबह की डाइट दे देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे हो गए हैं। चलिए इनको सुबह की डाइट देते हैं। दोस्तों अंदर जो सॉफ्ट फूड बचा था कल का, हमारे बर्ड्स ने थोड़ा बचा दिया था मिक्सल, चलिए मैं इन लोगों को डाल दूंगा हमारे हेन चिक्स को, ताकि ये खा लिए। देखिए आके खाना स्टार्ट करिए, ये मिक्सल बहुत ही शौक से खाते हैं, जब ये सोख डाल रहती है बहुत ही मज़े से खाते हैं। देखिए अभी भी कितने मज़े से खा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमारे लव बर्ड देखिए इनका केज बिल्कुल खाली हो गया, ना लव बर्ड है, वरना इसके अंदर ये रहते थे, मैं आया तो ब्रीडिंग बॉक्स में चले जाते थे, लेकिन पता नहीं वो कैसे उड़ गए, शायद किसी से डोर खुला रह गया, मैं मालूम करूंगा किसी से डोर खुला रह गया। तो दोस्तों ब्लू वाले लव बर्ड भी बहुत जल्द जो है एक्सले करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम आज अपने बर्ड्स को जो है थोड़ी सी पालक, इसमें कोतमीर है और मिक्स वेजिटेबल्स है, इसको अच्छी तरीके से हम एक बार धो लेंगे, धो के हमारे बर्ड्स को दे देंगे। दोस्तों चलिए थोड़ा सा इनको ग्रीन वेजिटेबल्स भी दे देते हैं हम, ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा लड़ के खाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दो चिक्स है, इनको भी थोड़ा दे दूंगा मैं। देखिए दाल तिकी एक ही बार में खा जाते हैं। चलिए मास्टर केज के बर्ड्स को दे देंगे, देखिए यहाँ पे बजी पैरट्स इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब ग्रीन वेजिटेबल्स लाऊंगा। चलिए अब दोस्तों मास्टर केज के अंदर चलते हैं। हमारे पैरट्स और बजीज को तो स्वभाव ही नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे ही अंदर आया देखिए हमारा पैरट आ गया है खाने के लिए। इनको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, बहुत ही मज़े से खाते हैं। मैं जब भी ग्रीन वेजिटेबल देखता हूँ, एक तुम भी ले लो। चलिए वहाँ पर रख दूंगा, बजीज भी इंतज़ार में है कि कब डालूंगा मैं इनको। थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स में जो स्टेम्स है पालक के कोतमीर के अंदर कोरिएंडर के, मैं यहाँ पर नीचे डाल दूंगा, ताकि हमारे छोटे बजीज जो है जिनको उड़ना नहीं आता है वो भी खा ले। थोड़ा सा मैं ये वाले केज में भी डाल दूंगा दोस्तों, इतना काफ़ी रहेगा, और थोड़ा दे दूंगा मैं, ताकि स्टेम्स जो है ये काट काट के खा ले। देखिए दाल चिकी हमारा मेल, सबसे पहले मेल आता है दोस्तों खाने के लिए, जब भी डालता हूँ वहाँ पर डाल दिया हूँ। देखिए बजीज भी आ गए खाने के लिए, कॉकटेल भी देख रहा है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से हटूँगा हमारे पैरट्स और कॉकटेल्स पहले जाएंगे खाने के लिए। हमारे सारे बर्ड्स आ गए खाने के लिए, थोड़ा नीचे भी डाल दिया हूँ, जो जिसको उड़ने नहीं आता है वो नीचे खा लेंगे, जो हेल्थी बर्ड्स हैं माशाल्लाह से वो ऊपर आके खा लेंगे। तो दोस्तों वो वाली मटकी में एग चेक करने वाला था, लेकिन चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते हम, ये जैसे ही ये पूरा खा लेंगे उसके बाद हम जो है इस मटकी के एग्स चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं हेन चिक्स को भी थोड़ी सी पालक जो है छोटे छोटे पीसेस में करके डाल देता हूँ, ताकि ये भी खा ले। सबकी तो डाइट हो गई है, बस इनकी बची थी, इनको भी डाल दिया हूँ मैं। चलिए दोस्तों मैं ये वाले केज को जो है थोड़ी देर खुला ही रख रहा हूँ, आज के दिन खुला ही रखूँगा, इस उम्मीद में था कि हमारे लव बर्ड्स वापस आ जाए। अगर वो वापस भी आएंगे तो इनके एक्स को देख के ये केज पर बैठ जाएंगे या केज के अंदर चले जाएंगे, फिर मैं इनको पकड़ लूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे हमारे लव बर्ड, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उड़ी थी हमारी फीमेल लव बर्ड की वापस आ गई थी, यहाँ पे ऊपर आके बैठी मैंने पकड़ लिया था। इंशाल्लाह दोस्तों वो भी आ जाएंगे वापस। तो सारे बर्ड्स हमारे देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अपने मज़े में हैं, सभी माशाल्लाह से हेल्थी है। और मैं एक चीज़ ये सोचाऊँगा, खुदा ना खासा हमारे लव बर्ड वापस सही आते हैं तो इनके जो है सिक्स टू सेवन एग्स है, ये एग्स को मैं जो है ये वाली मटकी में ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली मटकी में जो दोस्तों देखिए इसके अंदर 2x है ऑलरेडी, तो मैं और 6x को इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि हमारी बजी इंक्यूबेट कर सके वो एक्स को और उसमें से चिक्स निकाले, लेकिन इंशाल्लाह हमारे लव बर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइफ विद पेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।